तीसरा पहलू, ग्राहक के साथ ईमानदार रहें और ग्राहक के लिए सबसे उचित समाधान प्रस्तुत करें। ग्राहक की आवश्यकता को समझने के बाद ग्राहक के लिए सबसे उचित क्या है, इसे ध्यान में रखते हुए समाधान प्रस्तुत करें। यहाँ तक कि अगर आप उस सेवा को प्रदान नहीं करते हैं जिसकी ग्राहक को तलाश है, तो कोई ऐसा सुझाव दें जिससे ग्राहक को मदद मिले। ओके, अच्छा मैं समझ गया। आपको अपने बच्चे के लिए पियानो टीचर चाहिए, पर मैं सिर्फ गिटार सिखाता हूँ। मैं एक बहुत अच्छे पियानो टीचर को जानता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं उसका फोन नंबर आपको दे सकता हूँ। जब यह तय हो जाए कि आप ग्राहक को सेवा प्रदान कर सकते हैं, तो ग्राहक को अपनी उपलब्धता के बारे में भी बताएं और ग्राहक के साथ ये पुष्टि कर लें कि आपका बताया हुआ समय उनके लिए भी ठीक है या नहीं। मैं अगले हफ्ते से क्लास शुरू कर सकता हूँ, वेडनेसडे शाम को 6 बजे या फ्राइडे शाम को 7 बजे में से आपके लिए कौन सा समय ठीक होगा। चौथा पहलू, अंत में ग्राहक की संतुष्टि सुनिश्चित कर लें। ग्राहक की संपूर्ण संतुष्टि के लिए कॉल समाप्त करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा प्रदान की गई पूरी जानकारी ग्राहक को अच्छे से समझ में आ गई है। अंत में पूछें, मैं आपकी और क्या मदद कर सकता हूँ, और फिर आखिरी सवाल का जवाब देने के बाद धन्यवाद देकर ही कॉल खत्म करें। मुझे कॉल करने के लिए धन्यवाद। आशा है कि ये सुझाव आपको ग्राहक के साथ संबंध मजबूत बनाने में और बिक्री बढ़ाने में मदद करेंगे। postlo.com, हमारा लक्ष्य आपकी सफलता।